इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस PDA मोबाइल कंप्यूटर डिवाइसेस. नाउ कम टू दी स्मार्टफोन्स. अ स्मार्टफोन इज़ अ मोबाइल फोन बिल्ट ऑन अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विद मोर एडवांस कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी एंड कनेक्टिविटी देन अ फीचर फोन इंडिकेटेड अ सैम्पल स्मार्टफोन. द फर्स्ट स्मार्टफोन वॉज कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA एंड अ मोबाइल फोन फंक्शनरी. वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्टफोन नॉट मोबाइल फोन. सम फंक्शंस वर एडेड इन लेटर मॉडल्स लाइक पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, लो एंड कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमराज, पॉकेट वीडियो कैमराज, GPS नेविगेशन यूनिट्स टू फॉर्म वन मल्टी यूज डिवाइस, हाई रेजोल्यूशन टच स्क्रीन एंड वेव. ठीक है, तो दीज आर स्मार्टफोन्स. वन ऑफ द एग्जाम्पल एंड वन मोर हियर. ओके, ब्राउजर फॉर डिस्प्लेइंग स्टैंडर्ड वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऑप्टिमाइज पेजेस ऑल्सो. वाई फाई प्रोवाइडेड हाई स्पीड डेटा एक्सेस एंड मोबाइल ब्रॉडबैंड. द मोस्ट यूजुअल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम OS यूज बाई मॉडर्न स्मार्टफोन इंक्लूड गूगल्स एंड्रॉयड, एप्पल्स iOS, नोकिया सिम्बियन, रिम्स ब्लैकबेरी OS. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, सैमसंग्स बाडा एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फोन. सो दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर यूज इन मोबाइल फोन्स एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम टू फंक्शन एंड टू परफॉर्म मेनी टास्क. सच ऑपरेटिंग सिस्टम आर एबल टू एडजस्ट विद मेनी डिफरेंट फोन मॉडल्स ऑल्सो. टिपिकली ईच डिवाइस कैन हैव मल्टीपल OS इंस्टॉल ओवर इट्स लाइफ टाइम. ठीक है, नाउ कम टू द टैबलेट. तो मोबाइल के बारे में तो हमने अच्छे से सभी जानते हो आप लोग. नाउ नेक्स्ट है टैबलेट कंप्यूटर. टैबलेट कंप्यूटर्स आर लार्जर देन अ मोबाइल फ़ोन और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. तो ये दिस टाइप्स होता है टैबलेट होता है. ये स्क्रीन इसकी लार्ज होती है और जनरली टू टाइप्स के होते हैं. सिम होता है, सिम के एक तो सिम वाला होता है और एक विदाउट सिम वर्क करता है ओनली वाईफाई के थ्रू. तो दे आर टाइप ऑफ मोबाइल डिवाइस इंटीग्रेटेड इनटू अ फ्लैट टच स्क्रीन primarily operated by touching the screen. No physical keyboard is placed in them. It often uses on an one screen virtual keyboard, a passive stylus pen or a digital pen. Normally tablet does not have an integrated keyboards, a wireless and USB keyboard. ठीक है, तो इस तरह का टैबलेट होता है तो आप उसको easily करने. Now next है आपके अल्ट्रा मोबाइल PC. तो this type of PDA device that it is used mobile as computer as a mobile in the form of mobile. So this is, it means an ultra mobile PC, ultra mobile personal computer or UMPC is a small form factor version of a pen computer or class of laptop whose specification were launched by Microsoft and Intel in spring 2006. So 2006 mein aaya tha. Is type se isme keyboard hote hain और ये लाइट पेन होता है जिसके थ्रू हम लोग टच स्क्रीन कर सकते हैं, उस पर हम कुछ भी हमारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. और नेक्स्ट है वियरेबल कंप्यूटर्स. वियरेबल कंप्यूटर्स आल्सो नॉन एज बॉडी बॉर्न कंप्यूटर्स आर मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट आर वॉर्न बाय बियरर अंडर विद और ऑन टॉप ऑफ क्लॉथिंग. दिस क्लास ऑफ वियरेबल टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर जनरल एंड स्पेशल पर्पस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीडिया डेवलपमेंट. तो ये अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर इसको पहन कर है ना वियर करके वॉर करके और हम इसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली. सो नेक्स्ट है आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. एडवांटेजेस क्या है कि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी. तो मोबाइल डिवाइस कैन बी यूज्ड आउट इन द फील्ड ऑफ वेरियस कंपनीज देयरफॉर रिड्यूसिंग द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ क्लाइंट्स एंड देमसेल्फ. तो उसकी रिड्यूस कर रही है उनके टाइमिंग वगैरह जो भी, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया है. एंटरटेनमेंट भी कि नहीं तो सब यूज़ ही करते हैं, मेन पर्पस तो यही होता है बच्चों का भी और ज़्यादातर जो लोग रहते हैं कोई भी अब मोबाइल ख़रीदता है तो वो यही उसके माइंड में सबसे पहले यही आती है कि कैमरा कैसा है उसका और उसमें वीडियोस कितने चलते हैं किस तरह के, ये सारी चीज़ें फीचर्स को फाइंड करता है जनरली. तो ये एंटरटेनमेंट का पोर्टेबिलिटी, दिस वुड बी वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग. लिटरली इसको हम इजीली कैरी कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ PC पर्सनल कंप्यूटर. क्लाउड कंप्यूटिंग, दिस सर्विस इज़ अवेलेबल फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट्स ऑन ऑनलाइन सर्वर एंड बीइंग एबल टू एक्सेस देम एनी टाइम. कहीं पर भी इसको मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं,
पहले क्या होता था, मोबाइल फ़ोन्स में इतना स्टोरेज नहीं होता था, तो वो स्टोरेज कम पड़ जाता था, तो वो स्टोरेज को मतलब इस मेजर प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग आई। इसमें क्या है, हम लोग हमारे जो डेटा को वो ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, और जब चाहे हम एनी टाइम एनी वेयर वी कैन यूज़, है ना, उसको यूज़ कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। हमारे मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, उसके बाद इजीली हम उसको कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है पावर कंजप्शन। वी नो दैट कि एक सिंपल सी छोटी सी बैटरी होती है मोबाइल, जो पीडीए होते हैं उसमें इजीली छोटी सी बैटरी से वो पूरे डे हमारा मोबाइल फ़ोन वर्क कर लेता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर उसको पूरा एक स्विच चाहिए, एक पर्टिकुलर सिस्टम चाहिए वहाँ इस तरह से। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो जो एग्जांपल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।